हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। दोस्तों, अब हम एज सम करने जा रहे हैं। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा सिलसिला चल रहा है, उसमें आठवां क्वेश्चन आपके सामने दिखाने जा रहा हूं। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखो, ये जो थ्योरम दिया हुआ है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो है ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है अलग किसी वीडियो में। सो उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाके रिफर करके आप देख सकते हो किस तरीके से प्रूफ परफॉर्म करना है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नाइन्थ सम की ओर। ठीक है, इसमें आपको बोला गया है 4 tan θ = 3 और आपको इवेल्युएट करना है, ये पूरा का पूरा इवेल्युएट करना है। ठीक है, अब इसको करते कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको 4 tan θ दिया हुआ है, 4 tan θ = 3 दिया हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर tan θ का वैल्यू लिखोगे tan θ = 3/4। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 3/4। अच्छा, एक चीज बताओ मुझे, जो आपने आपने एक टेन थीटा के बारे में एक पढ़ा है रेशियो, उसका किस क्या होता है, रेशियो कैसे होता है, वो पढ़ा है आपने। टेन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये पढ़ा है आपने, तो इसका मतलब ये है कि हमको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की जरूरत है, क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ही हम लोकेट कर पाएंगे सारे के सारे हमारे ऑपोजिट और एडजेसेंट वाले साइड। एक थीटा ले लेंगे इधर और ये अपना ऑटोमेटिकली 90 डिग्री होता है, और इसको हम नामकरण कर देंगे ए बी सी। ठीक है, सो टेन थीटा इज व्हाट, ऑपोजिट, व्हाट इज ऑपोजिट, ए बी, तो ए बी का कितना हो सकेगा, हो जाएगा 3, और एडजेसेंट कितना, बी सी ना, ये एडजेसेंट है तो ये 4। ठीक है ना, सो इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 3 एंड बी सी इज इक्वल टू 4। सो देयर फोर बाई पाइथागोरस थियरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, सो उसी इसमें क्या होगा, हम ए सी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, जो को ये होगा 3² + 4² सॉल्व करोगे तो ये 25 आता है। देयर फोर ए सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 5। आंसर एक्चुअली प्लस माइनस आता है, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता, इसलिए पॉजिटिव 5 आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, सो अगर इसका 5 आ गया, अब ये जो लेंथ है आपका, ये पूरा का पूरा अगर 5 आ गया, सो अब हम बाकी जो बचा हुआ साइन और कॉस निकालेंगे और फिर पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे। ठीक है, सो देयरफॉर साइन थीटा इज व्हाट, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट इज व्हाट, ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी, वॉट इज ए बी, 3, वॉट इज हाइपोटेनस, 5। ठीक है, उसी तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट होता है आपका बी सी और हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। ठीक है, सो हो जाएगा बी सी, वॉट इज बी सी, 4/5। तो ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू और ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। अब हम डालेंगे इसमें पूरा का पूरा उसमें डालेंगे, तो हो जाएगा 4 sin θ माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 4 sin θ प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इसमें डालेंगे हम लोग 4 sin θ क्या है, 3/5 माइनस कॉस थीटा 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 × 3/5 प्लस 4/5 माइनस 1। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन करेंगे हम, 4 × 3 = 12 12/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1, तो जाएगा 12 − 4 विच इज 8/5 प्लस 1 अपॉन 16/5 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, अब एलसीएम निकालेंगे तो 8 × 5 कितना होता है, 13, 13/5 द होल डिवाइडेड बाय 16 − 5 कितना होगा, 16 − 5 11/5। तो एक्चुअली इसका आंसर फाइनल आ जाएगा 13/11 आपका फाइनल आंसर है। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, 13/11। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो इसी तरीके के और सम्स करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। और हाँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, प्लीज शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।